खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, हमारे जब अकेले की बन रही है तो फिर हमें पूरा विश्वास है, जो हमारा इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, इंटरनल फीडबैक है कि हमारी मेजोरिटी आएगी। देखिए ठीक है, अब एक टारगेट हमने रखा था, उसका विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कहाँ चूक रह गई। और पार्टी है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, हर लेवल पर इसका विश्लेषण किया जाएगा। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है हार के चलते, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेना बनता था उनका? नहीं देखिए, अब उन्होंने त्याग पत्र दिया है, इसके ऊपर पार्टी करेगी विचार, क्या करना। साहब मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है जैसे रिजल्ट आए हैं? नहीं देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। जब जब बयान सुनेंगे अनिल विज की तरफ से, कुछ ऐसे ही बयान सुनेंगे। इंटरनल हमारा सर्वे कह रहा है कि हम जीत जाएंगे। अरे सर, अब तो ईवीएम कह रहा है कि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आप अभी भी 40 पर हैं, अभी आपको 6 और लोगों की जरूरत है, और उसमें हो सकता है कि निर्दलियों को आप मनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन आप जीत जाएंगे ये अनिल विज ही कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कई बड़े बड़े विकेट गिर गए हैं, अनिल विज का उसमें विकेट निकल गया है, तो अनिल विज को पता है कि अपने दिन फिर सकते हैं। खट्टर साहब की क्योंकि खटिया खड़ी होगी, अब हाईकमांड खड़ी करेगा, जो हालत हुई है उसको देखते हुए इनके मन में भी सपने पल रहे होंगे कई तरह के।